फ्राइडे का दिन था और आज मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। बहुत लेट हम लोग सब उठे और बच्चों को तो फिर मैं यूँ ही लेफ्ट ओवर चिकन में खा रहे थे, तो हम लोग चिकन रोटी वही सब खा लिए। एंड हस्बैंड को तो वेट रहता है बिरयानी का, वरना गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं ना उनके लिए वो उनका डाइट वाला फूड रेडी करने लगी। फ्राइड राइस बना रही हूँ यहाँ मैं, अनियन फ्राई कर दी हूँ थोड़ा, और उसमें बेल पेपर्स, ग्रीन चिल्ली और थोड़ा सा बस हैंडफुल ऑफ ग्रीन पीस डाल दी हूँ, फ्रोजन पीस। उसमें बस अब राइस कुक करके डाल दी हूँ और इन सब में को अच्छे से फ्राई कर दूँगी, और हल्का सा बस सॉल्ट डालना है अंदाज से, हल्का सा बस सॉल्ट रहे, और अच्छे से फ्राई कर दूँगी बस उनको खुश करने के लिए, उनका मूड ना ख़राब हो। और बस इसी बर्तन में अब मैं थोड़ा सा और ऑयल डाली हूँ, और चिकन ब्रेस्ट था तो इसे मैं वॉश करके ना लेमन एंड सॉल्ट लगा के बस 15 मिनट्स इसे मैरिनेट कर दी, और उसके बाद उसमें तंदूरी पेस्ट और ऑरिगैनो और ब्लैक पेपर डाल करके छोड़ दी 10-15 मिनट, और उसके बाद इसे भी ऑयल में फ्राई कर दी हूँ। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू हिज डाइट प्लान उनकी प्लेट रेडी है, और मेरी डाइट प्लान बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। मुझे कर्ड, चपातीस और सारे सैलड्स वगैरह लेने होते हैं, कच्चा चना जो होता है ना फुला हुआ स्पॉन्ज, वो सब लेना होता है, और सबको। तो फिर आप लोग भी अपने अपने डाइट प्लान फॉलो करें और हेल्दी रहें, बस बीच बीच में ना टेस्टी यमी फूड्स भी लेते रहें, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी फिर दोबारा। और फिर मैं बच्चों को लेकर के आगे स्विमिंग के लिए, और यहाँ मना को रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली ना मना को वो कैप लगाने में बहुत दिक्कत होता है, बाल लंबा हो गया है, वो क्लिप्स वगैरह भी लगा रही थी छोटी, बांधने के बाद भी हेयर कैट ने हेड कैप लगाओ ना तो वो बाल पकड़ता है थोड़ा, इसकी वजह से रो रही थी। मैं आई हूँ बच्चों को लेकर के स्विमिंग क्लास के लिए, आज लॉन्ग का थर्ड डे, देखते हैं आज कैसे क्या करते हैं। और चलिए आप लोग भी हमारे साथ देखने इन दोनों बंदर को क्या करेंगे आज। और आज पूल के खूब क्लीनिंग हुई है एंड पूरी सेटअप भी चेंज है। और यहाँ मना एंजॉय कर रही है अपनी क्लास। बहुत डरती है, मेरे दोनों ही बच्चों को ना थोड़ा सा फोबिया जैसा है, इनफैक्ट शावर भी डायरेक्ट ना वो फेस पे नहीं लेते, जिस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा दोनों को अडॉप्ट करने में वाटर को, बट ना सीख जाएंगे इंशाल्लाह रहमान। बच्चों को बस कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना है, बच्चों को चेयर अप करते जाना है और हौसला अफजाई करना ज़रूरी है, उससे बच्चों को हिम्मत मिलती है। मना फिर भी ठीक कर रही थी, बट शज़ैब बिल्कुल भी पानी में नहीं जाता है, वो ना शावर या जग से भी डायरेक्ट ना मुंह पे पानी मारने से बहुत डरता है, इसलिए टीचर जो सिखा रही है वो भी बोली ये सब इस टाइप का ना जो बच्चों में होता है ना, ये एक फोबिया जैसा होता है जिससे बच्चे का डर नहीं ख़त्म होता है, थोड़ा टाइम लगेगा जिसकी वजह से। और आज शज़ैब को थोड़ी डांट भी पड़ रही थी, सिखाने में ज़रूरी है बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होता, वो ट्राई ही नहीं करना चाहते हैं। और मना तो सुनने ही नहीं है, उसको टीचर का कोई बात ही नहीं सुन रही थी मना आज।
ये लोग बस 9th क्लास देंगे, देखिए इंशाल्लाह, बस मुझे इंतज़ार है 9th क्लास तक ये लोग कहाँ पहुँचते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ ये सैटरडे मॉर्निंग है, कल एक दिन पहले रात में जब मैं चिकन श्रेडेड चिकन बनाई थी वो लेफ्ट ओवर था, तो हम लोग श्रेडेड चिकन रोटी पराठे के साथ खा लिए, और बच्चों के लिए बस श्रेडेड चिकन वो चपाती पे ही चीज़ डाल के मैं दोनों साइड से बना दी, टॉटिला नहीं था तो मैं चपाती पे बना दी, और बच्चों को अच्छा लगता है थोड़ा सा चीज़ी वगैरह होने से अच्छे से खा लेते हैं। और अभी मैं चिकन तंदूरी ड्रम स्टिक से बना रही थी तो उसे मैरिनेट कर रही थी, कैमरा ऑन करना भूल गई थी। मैं डाली हूँ लहसुन अदरक, क्योंकि मैं लहसुन वीडियो में ऑन करना भूल गई थी। देखिए इस टाइप से मैं मतलब लहसुन को अदरक को और लहसुन को भी इस तरह से चॉप्ड कर दी थी। लहसुन अदरक हल्दी मिर्चा नमक डाल दी हूँ, और अब इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल दी हूँ। चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ। अब इसमें पेपरिका डालूंगी, ब्लैक पेपर, उसमें डालेंगे 1 pinch अराउंड फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर डाल दें, और अब मैं डालूंगी इसमें दही, और ये है शान का तंदूरी मसाला, इसे भी 3 चम्मच डाल दी, लेमन स्क्वीज कर देंगे थोड़ा, हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी ऊपर से मैं डाल दूंगी। और मैं सबको बस अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ मैं चिकन मैरिनेट, मैं इसे 1 hour ऐसे ही रहने देती हूँ, उसके बाद एयर फ्रायर में इसे बना देंगे या माइक्रोवेव में, और आप इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं ब्लॉक से लेकर के, जब बाहर जाएंगे तो टॉयज लेकर आएंगे, कल स्विमिंग के बाद हम लोग वेमार चले गए, एंड वेमार से लौटते वक्त अराउंड हम लोगों को 12 o'clock हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा रश था, इतनी रश थी कि मैं कुछ भी वहां शूट नहीं की, कभी सारी क्रॉसेस ऐसे ही रखे हुए, तो अभी मुझे उन्हें सेट करना है, और छुट्टी था तो सब मैं 10 बजे से उठ गई थी, बच्चे लोग सब 1 बजे उठे हैं सो करके, और 3 बज गए, खाना खिलाते पिलाते हैं सब कुछ। अभी जस्ट मैं चिकन मैरिनेट की, अब उसे रखी हूँ 1 hour के लिए, मैरिनेट होगा वो, मैरिनेशन के लिए रख दिए उसे, और अब देखो ये हेलीकॉप्टर का पंखा बनाया आगे का नहीं, ये है शिप, सदर भी एग्जॉस्ट फैन लग रहा है जो ऐसे घूमता है ना, अच्छा शिप के पीछे जो नीचे वाले में जो मोटर लगा रहता है कुछ, नहीं वो नहीं लग रहा, ये तो फैन है। ओके बस फैन, तो देखो मेरा एक और कैसे टाइम जाता है, 4 बजने वाला है और असर की अजान भी होने वाली है। ये हेलीकॉप्टर का ही है, बच्चे लोग बहुत बोर हो रहा है, इन लोगों को होमवर्क में लगना है, मुझे होमवर्क तो थोड़ा हुआ है बट अभी प्रोजेक्ट पूरा बाकी है, प्रोजेक्ट में लगना है इंशाल्लाह, तो बस आज भी इनकी स्विमिंग है, 4 o'clock हो चुके हैं, इंशाल्लाह 1 घंटे में हम लोग स्विमिंग के लिए निकलेंगे, तो उससे पहले अब जा रही हूँ जल्दी जल्दी पहले ग्रोसरी सेट कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह स्विमिंग के लिए निकलना है।
फ्रेंड्स, फिर मैं ग्रॉसरी सरियाने के लिए जब किचन में गई तो कॉकरोचेस देखने के बाद मुझे लगा कि मैं सारे पहले क्लीन करूँगी तब सजाऊँगी सरियाऊँगी, तो इसी वजह से हमें बहुत देर हो गया। 6:30 में हम लोग पूल पहुँचे। देर करने पर ना हस्बैंड की अलग से डांट पड़ी मुझे। फिर अब फ्रेंड्स, ग्रॉसरी सरियाते वक्त मुझे क्लीनिंग वगैरह के चलते बहुत ज़्यादा देर लगने लगा, फिर मैं इसे माइक्रोवेव में डाल दिया, कुछ शूट भी नहीं की, बस माइक्रोवेव में डाल करके टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर दीजिए और फिर इसे बना लीजिए। और हाँ, मैं फूड कलर बहुत कम डाली थी क्योंकि फूड कलर हार्मफुल होता है ना, तो आप अगर इसमें कश्मीरी पेस्ट है अगर आपके पास तो आप उसको इन्ग्रीडियंट्स में ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ये है मेरी कोल्ड कॉफ़ी। और इसके बाद हम लोग स्विमिंग के लिए निकले जो कि बहुत देर हो गया था, एंड ये कोल्ड कॉफ़ी की ये रेसिपी भी मैं आपसे अगले ब्लॉग में शेयर करूंगी और ये भी बहुत यमी होता है ख़ास करके इन गर्मियों में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग तैयार हो गए हैं, शहज़ैब और मन्हा का स्विमिंग क्लास है, तो हम लोग तैयार हो गए, अब स्विमिंग क्लास के लिए निकलेंगे। फ्राइडे और सैटरडे है एक्चुअली, हम लोग को खुद ही डेट चूज़ करा था, तो अभी हम लोग फ्राइडे सैटरडे ही चूज़ कर लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और हस्बैंड फिर ऑफिस रहता है ना हर दिन, तो अच्छा नहीं लगता। लाइक सैटरडे को, फ्राइडे को जैसे आते हैं तो पता है सैटरडे को छुट्टी है तो देर होगा तो चलेगा, एंड सैटरडे आज भी छुट्टी है भले कल ऑफिस जाना है और आज देर भी हो गया है, तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि ऑफिस आने के बाद उनको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होता है और हम लोग को भी बोलने में ख़राब लगता है। और बाहर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि कहीं जाने का ही नहीं है, लाइक कॉर्निश भी नहीं जा सकता आदमी, बाहर का एनवायरमेंट में ही अलग सा एकदम गर्म है। रात के वक्त भी वैसे ही गर्मी रहती है, गर्म रहता है बाहर का एनवायरमेंट, जिसकी वजह से सिर्फ मॉल ही जा सकता है आदमी और कहीं नहीं। तो और भी यहाँ दोनों बच्चे भी रेडी हो गए हैं। मतलब उसके कहने का है दलवा मॉल वो इतना गई है कि उसको भी पुराना कर दिया, और होटल ट्रांसफोर्मिनिया वो मूवी देखती है नेटफ्लिक्स पे वो भी एकदम पुराना हो गया। देख देख उसका एक एक डायलॉग जैसे रट ली होगी। आप कुछ कहना चाहेंगी मैडम? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगी। मेरी टॉर्च अच्छा रकम मेरी YouTube फैमिली। अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली। आज मन अच्छे से स्विमिंग करेगी? हाँ। प्रॉमिस? हाँ। टीचर की बात सुनोगी? हाँ। और वो क्या किया मम्मी को दुपट्टा अपने सारे गुड्डो गुड़िया को उड़ा दिए और टेडी बेयर सॉफ्ट टॉयज को, चलो सब अरेंज करके रखो चलो जल्दी से, मम्मी अभी निकल रहे हैं ना बेटा, जल्दी से रूम अरेंज करो प्लीज, बी ए गुड गर्ल, चलो। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना जिसकी वजह से नकाब सोचते हो ना कि और कलर का नकाब लगा लूँ कि गर्मी ये ब्लैक रहने से ना और ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ तो 55 डिग्री भी ना क्रॉस कर गया है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब मना चली सारा कुछ अरेंज कर रही, मेरी बेटी सब हटाती है ख़राब करती है तो अच्छे से सजा भी देती है ना बेटा। रूब्लॉक्स में ट्रैक्टर चला रहे हो? हाँ, बच्चों ने अच्छा ठीक है मम्मी स्टिच कर देगी। खाली ये लड़का रूब्लॉक्स खेलता रहता है। हाँ। बदमाश लड़का। मम्मी डाउनलोड करके दी थी तो मम्मी को पता नहीं था कि इसका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाएगा कि भैया दिन भर लगा रहेगा। माय प्रिंसेस हमको उमा नहीं देगी। और हम लोग फिर पूल आ गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शहज़ैब तो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन आज मन्हा 1% भी नहीं की, इतना रोई है आज, एक बार बस उसके नाक में पानी चला गया है बस, उसके बाद तो वो सिर्फ रोई है। मन्हा रोना नहीं बेटा। आज हस्बैंड भी पूल में उतर गए हैं बच्चों के साथ, वो भी सीख रहे थे, अब टीचर चली गई सिखा करके, तो बस हम लोग और मैं एक दो हफ्ते के बाद उतरूंगी, अभी रुकी हुई हूँ। तो अब मन्हा का डर हटा रहे थे, मैं बोल रही थी शाहरुख को तुम लेके जाओ, शायद तुम्हारे साथ क्लोज है तो शायद जाए पानी में, क्योंकि सिखाना भी तो ज़रूरी है। One, two.
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन Oh, oh, oh.